हेलो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक ज़रूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए सबसे पहले। और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करना, कोई भी आपका सवाल होगा उसका भी जवाब मैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर दोनों पर दूंगा, ठीक है। शांतनु भाई का कमेंट है, इन्होंने बोला भाई कोलकाता का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर देना प्लीज़ G4S का। भाई मैं आपको कोलकाता का एड्रेस तो दे दूंगा, लेकिन फ़ोन नंबर अगर मिल गया तो दे दूंगा, नहीं तो आपको ऑफिस जाके या फिर कस्टमर केयर से ही जो भी आपके आगे के सवाल हैं कुछ पूछना है तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। ये निखिल भाई का कमेंट है, इन्होंने बोला कस्टमर केयर नंबर कहाँ दिया हो ब्रो। भाई मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको कस्टमर केयर का नंबर। नेक्स्ट कमेंट का निखिल का, बिहार का ऑफिस एड्रेस बताओ ब्रो। और मैं बिहार का एड्रेस भी बता दूंगा, अगर आप बिहार का जहाँ पे आप रहते हो उस शहर का नाम बताते तो आपको मैं वहीं का एड्रेस दे देता, पर आपने बिहार बोला है तो मैं बिहार का दे दूंगा। और वीडियो पूरी वॉच किया करो। अनी कुमारी का कमेंट है, इन्होंने बोला है भाई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो उसमें दिक्कत है, ग्राम पंचायत का होगा तो हो जाएगा, कमेंट करके दोस्त बता देना उसको, बिना तो ज़्यादा जाएगा या नहीं। मैं आपको क्लियर बता दूं, पुलिस वेरिफिकेशन और ग्राम प्रधान का होना चाहिए, अगर उनमें से एक भी नहीं हुआ तो आपकी ज्वाइनिंग होने में दिक्कत आ जाएगी। इनका चवन, इनका कमेंट है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कंपनी लेटर कैसे लें। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कंपनी का लेटर मेरे पास हुआ तो मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा इंस्टाग्राम पर, और नहीं हुआ तो आपको ऑफिस जाकर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रदीप का कमेंट है, इन्होंने बोला है आपका कॉन्टैक्ट नंबर सर दो। भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मैं सभी को नंबर नहीं दे पाऊँगा इसलिए मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करने कहता हूँ, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मैं यहाँ पे भी आपके सभी सवालों के जवाब देता हूँ। सूरज भाई का कमेंट है, इन्होंने बोला है कहाँ 26,000 मिल रही है। भाई G4S में ड्यूटी के ऊपर है, अगर आप ड्यूटी ज़्यादा करते हो तो आपको 26,000 तो क्या उससे ज़्यादा भी मिल सकती है सैलरी, ठीक है। ये अनी कुमारी का कमेंट है, इन्होंने बोला है मैं दोस्त सब्सक्राइब कर दिया हूँ तो पुलिस वेरिफिकेशन में मेरे दिक्कत है, नहीं बन पाएगा ग्राम प्रधान। मैं आपको बता दूं, G4S में ज्वाइन होने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन और ग्राम प्रधान का सर्टिफिकेट ज़रूर चाहिए, उसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। ये कृष्णा भाई का कमेंट है, इन्होंने बोला है भाई मुझे राजस्थान में G4S ट्रेनिंग सेंटर के मोबाइल नंबर चाहिए प्लीज़ देना। भाई राजस्थान में G4S की बहुत सारी ब्रांच है इसलिए मैं आपको सेंटर तो नहीं बता सकता, अगर आप ऑफिस जाके ज्वाइन होगे वहाँ से आपका पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा, और जब आपका ट्रेनिंग का समय आएगा तो वो आपको ट्रेनिंग सेंटर का नंबर दे देंगे और वहाँ पे खुद ही भेज देंगे, ठीक है। इनका नाम है बीरन, इन्होंने बोला है मुझे 8,000 रुपये मांग रहे हैं G4S में। भाई 8,000 तो बहुत ज़्यादा है, मैंने तो सिर्फ 2,800 रुपये दिए थे, और आपकी मर्जी, आप अगर आपको लगता है वो सही है तो उसके बारे में आप सोचो और देखो, या फिर और कहीं ट्राई करो, पर 8,000 बहुत ज़्यादा है, 8,000 बिल्कुल मत देना मेरे हिसाब से, तो कहीं और पे देख लो, कहीं और कम लें तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। ये नितिन भाई का कमेंट है, इन्होंने बोल रहा है भाई ग्रेटर नोएडा में फील्ड ऑफिसर का नंबर मिल जाएगा। भाई फील्ड ऑफिसर का नंबर ग्रेटर नोएडा का तो नहीं है, क्योंकि मैं जनकपुरी से ज्वाइन हुआ था, ग्रेटर नोएडा का तो आपको वहाँ पे ऑफिस में जाके ही लेना पड़ेगा, और कस्टमर केयर भी नॉलेज दे सकते हैं लेकिन नंबर नहीं देते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट है विकास, इनका कमेंट है भाई मुझे भी G4S में लगवा दो यार, जनकपुरी में आप अपने साथ हयात होटल में बताओ। भाई अगर हयात होटल में वैकेंसीज होंगी आप तभी ज्वाइन हो सकते हो, बिना वैकेंसीज के आपको या फिर किसी को भी वो ज्वाइन नहीं करते, इसलिए वहाँ पे ऑफिस जाके पता करते रहना, नंबर ले लेना,
वहाँ पे पता करते रहना, वैकेंसीज हो तो आप हयात होटल में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ये प्रिंस भाई का कमेंट है, इन्होंने बोला है, भाई दिल्ली में जी फोरेस की सैलरी कितनी है हयात होटल में? भाई वो तो आपकी ड्यूटी के ऊपर है, मुझे तो 26,000 भी मिलती है और थोड़ी बहुत कम भी हो जाती है, 22, 23, 24, 25, 26 इतनी हो जाती है मेरी, क्योंकि उसमें नाइट ड्यूटी भी होती है और डे भी होती है, और जो ज़्यादा ड्यूटी करते हैं वो तो आपको पता है सैलरी से, वो ड्यूटी करेंगे तो सैलरी अच्छी मिलेगी, तो यही सिस्टम है इसका सैलरी का, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि आपको कितनी मिलेगी, वो तो आपकी ड्यूटी के ऊपर है। ये रोहता से इन्होंने इंस्टाग्राम पर कमेंट किया, इन्होंने बोला, हेलो ब्रदर, प्लीज़ हेल्प मी, जी फोर एस ज्वाइन करना है, कैसे होगा भोपाल में? भाई भोपाल में जी फोर एस के ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, वैकेंसीज होंगी तो, ठीक है, वहाँ पे पता करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करो और वीडियो पूरी देखा करो। राधे राधे।